हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। टीसीएस की बात करेंगे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे। 2195 रुपये पे कारोबार कर रहा है और लगभग 10-15 दिन पहले ये 2000 के आसपास था, 2030 के आसपास था। तब बताने की कोशिश थी कि टीसीएस में जो शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो 2200 तक और 2250 तक ये जा सकता है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। ये वीक बहुत महत्वपूर्ण है और ये सप्ताह टीसीएस के लिए महत्वपूर्ण है। 9 जुलाई को इसका Q1 का रिजल्ट की घोषणा हो सकती है और डिविडेंड भी दिया जा सकता है जो लंबे समय के लिए बने रहते हैं। तो इससे पहले वीडियो में अगर आप लोगों ने वीडियो देखा था तो लगभग 2250 और 2270 का एक टारगेट बताने की कोशिश थी। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे करेक्शन हो सकता है। अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। की घोषणा होती है तो उसमें डिविडेंड भी मिल सकता है जो लंबे समय के लिए बने रहते हैं। जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। तो ये अपडेट रहेगा, ये वीक बहुत महत्वपूर्ण है टीसीएस के लिए। अब Q1 की रिजल्ट की घोषणा हो सकती है और IT सेक्टर को COVID-19 और लॉकडाउन से थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। देखना पड़ेगा किस तरह का रिजल्ट आता है। अगर रिजल्ट में गिरावट होती तो हो सकता है कि वो मौका हो, और अगर तेजी होती है जैसे 2270 और 2300 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है टीसीएस, डेफिनेटली ये वहाँ से 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो जिन्होंने लगभग 10-15 दिन पहले ही वीडियो एक पोस्ट किया था कि इसमें तेजी हो सकती है टीसीएस में और टारगेट लगभग 2200 और 2250-2270 तक बताने की कोशिश थी, उसके ऊपर भी जा सकता है अगर ठीक ठाक रहा तो। बट ये है कि अब रिजल्ट आ रहा है, Q1 का रिजल्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की कोशिश करनी चाहिए जो शॉर्ट टर्म का निवेश करते हैं। और जो लंबे समय के लिए बने हैं तो अगर आपने 1700-1800 के आसपास भी खरीदा है तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, और अगर डिविडेंड मिलता है तो डिविडेंड भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये टीसीएस का अपडेट था आप लोगों के। इस दिग्गज शेयर में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या निवेश किया है तो अच्छा खासा रिटर्न मिला है पिछले 2-3 महीने के अंदर। तो फ्रेंड्स, अब रिजल्ट आ रहा है, देखना पड़ेगा किस तरह का रिजल्ट आता है, तो उसी के हिसाब से इस शेयर कारोबार कर सकता है। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल इंडिया रिसर्च देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।